श्री ताड़केश्वर महादेव की जय। आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के उपलक्ष में आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष में ताड़केश्वर महादेव, जो आज शिवशंकर भगवान के भी एक अंश माने जाते हैं श्री ताड़केश्वर महादेव, तो आज ताड़केश्वर महादेव की भी आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। और अभी हम जा रहे हैं श्री ताड़केश्वर महादेव में। श्री ताड़केश्वर महादेव में आज कार्यक्रम भी है, कल्चरल प्रोग्राम भी है, प्लस आज लोग बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे। तो अभी चलते हैं हम ताड़केश्वर महादेव में, और आप ये गाड़ी हमको छोड़ के चली गई है, और अब हम यहाँ से जाएंगे पैदल यात्रा श्री ताड़केश्वर महादेव। ये गुणलखेत से घोटला के लिए रोड जा रखी है, और ये घोटला के बाद फिर जरखाल, और जरखाल के बाद ये सिर मिलते फिर अग्निशयन महादेव मंदिर में। तो हम लोगों का स्टेशन वहाँ पे जरखाल में है, और ये यहाँ से ताड़केश्वर के लिए रोड जाती है इस तरफ, और यहाँ से चकुल्या खाल और आगे रिघणीखाल कोटदार मार्ग इससे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर चकुल्या खाल रोड है, मेन हेड मेन जो हाईवे है। तो वहाँ तक किसी लोगों को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं तो रिघणीखाल वाली बस में कोटदार से बैठेंगे तो चकुल्या खाल में उतरना है, वहाँ से फिर कोई और ट्रांसपोर्ट इधर ताड़केश्वर महादेव के लिए बैठ सकते हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी चलते हैं ताड़केश्वर महादेव की ओर। यह है गुणलखेत बाजार, यहाँ पे लोगों के घर भी हैं और साग सब्जी के बागवान यहाँ पे, और रहने के घर लोगों के, और यहाँ पे श्री जय महाकाली माता जी का मंदिर भी है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा मैं दर्शन करा देता हूँ। जय काली माँ। जय काली माता मंदिर। बोलते हैं बुरांस का फूल। देखिए एक छोटे से पेड़ पे बुरांस लगे हैं, और बाकी बुरांस अभी इस बार पता नहीं दिख नहीं रहे ज्यादा तक मात्रा मेरे को। जय ताड़केश्वर महादेव। और अभी हम ताड़केश्वर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से अभी ताड़केश्वर महादेव का गेट शुरू हो जाता है, तो अभी वो तैयारी शुरू है। यहाँ पे दुकानें वगैरह लग रखी है।
तो मैं माइक माजी Thank you.